अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 23 ऑफ मई का लास्ट लेक्चर पे हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। हम अब सारे सिलेबस के अच्छे तरीके से हमने इसको रिवाइज करना है। जैसे इंग्लिश का देखिए, हम पेज नंबर 7 to 15 हमने अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना है। इसकी बुक रीडिंग करनी है विद स्पेल। जो आपको लेटर्स दिए गए हैं आपने उनको अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। जो आपको एक्टिविटी दी गई है आपने उनको भी अगेन रिपीट करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है उर्दू का। आज हम उर्दू का सफ़ा नंबर 22 करेंगे। सफ़ा नंबर 22 पे देखिए, लफ्जी गिनती लिखिए 1, 2, 3। आपने 1, 2, 3 लफ्जी गिनती लिखनी और याद करनी है। नीचे आपको 1, 2, 3 दिया गया है, आपने इस पर रंग करने हैं। उसके बाद आज हम सफ़ा नंबर 23 भी करेंगे। सफ़ा नंबर 23 पे देखिए, लफ्जी गिनती लिखिए 3, 4, 5। आपने लफ्जी गिनती लिखनी और याद करनी है। नीचे 3, 4, 5 में आपने रंग भरने हैं। उसके बाद हम करेंगे सफ़ा नंबर 24। लफ्जी गिनती लिखिए 1 to 5। आपने 1 to 5 लफ्जी गिनती तीनों लाइंस पे लिखनी है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिए गए, आपने इसमें रंग करने हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मैथ एक्सेल। मैथ एक्सेल का भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। मैथ एक्सेल का भी हम पेज नंबर 8 to 35 आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें ड्रा होने वाली हैं आपने एक्स्ट्रा कॉपी पे उनको ड्रा करना है। और जो आपने राइटिंग के लिए आपको दिया गया है या कलरिंग के लिए, आपने उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जनरल नॉलेज का अगेन 1 to 15 क्वेश्चंस हम रिपीट करेंगे। इसको ज़ुबानी याद करेंगे और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ करेंगे। इसके साथ अव्वल और दोम कलमा हमने ज़ुबानी याद करना है। लास्ट लेक्चर पे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे बच्चों को कामयाब करे, हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।